इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पीटीआई के एमएलए रियाज फतियाना, नसरुल्ला खान, ताहिर सादिक समेत दीगर की दायर दरखास्त पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकला बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया अरकान असेंबली ने इस्तीफे मंजूर होने से पहले ही वापस ले लिए थे, जिसके बाद स्पीकर के पास इनकी मंजूरी का अख्तियार न था। अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर करना खिलाफ कानून और बददियानती पर मबनी है। अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे सियासी इंतकाम में मंजूर किए गए, जो अदालत उज़्मा के तय करदा कानून के बरक्स है। इस्तीफा मंजूर करने से पहले स्पीकर ने अरकान को बुलाकर मौकफ नहीं पूछा। मेंबरान की मर्जी के बगैर इस्तीफा मंजूर करना गैर आईनी इकदाम है।